तो आइडिया बेसिकली था कि बहुत सारी हम लोग रोज सुबह आपके सामने ब्रोकरेज रिपोर्ट शेयर करते हैं दिग्गज ब्रोकरेजेस दुनिया में जानी मानी वो शेयरों पे अपनी जो राय रखती हैं पर ऑफ लेट आपने भी नोटिस करा होगा कई, कई सारे ब्रोकरेज की रिपोर्ट्स कई सारे स्टॉक्स पे बहुत बटी हुई है जैसे हाल में वोडाफोन को रिलेटेड आया था मैंने उसको इस शो में नहीं इंक्लूड कराया लेकिन एक तरफ ढाई रुपया दूसरी तरफ इक्कीस बाईस रुपए के टारगेट्स ऐसी बहुत बटे हुए स्टॉक्स पर रिपोर्ट्स आई हुई है तो इन्हीं रिपोर्ट्स से समझेंगे क्या कहना चाहती हैं ब्रोकरेजेस क्यों कोई बुलिश है कोई क्यों बेरिश है और अपने एक्सपर्ट से जानेंगे दरअसल सही रणनीति उन स्टॉक्स पे क्या है एक्सपर्ट्स कौन जियोजी फाइनेंशियल सर्विसेज के शाह साहब और मार्केट एक्सपर्ट सुदीप बंदोपाध्याय दोनों आपको आपकी स्क्रीन पर रेडी नजर आएंगे इन दोनों के साथ होनी है आज के शो में चर्चा आप दोनों का स्वागत है आप दोनों को नमस्कार गुड आफ्टरनून अच्छा पहले मैं स्टॉक्स पे जाऊं इन स्टॉक्स पे बोल्स एंड बीयर्स की चर्चा करूं मार्केट अपना कम है क्या क्या गजब ताबड़तोड़ तेजी में भारतीय बाजार आपको नजर आएगा पिछले एक साल का चार्ट अगर हो सके तो यही मेरे स्क्रीन पे पीछे दिखाइएगा सेंट के रिटर्न निफ्टी पे आपको देखने को मिलेंगे थर्टी परसेंट के रिटर्न और इंट्राडे आपकी डे पे शुरुआत हुई मोमेंटम पकड़ा दायरे में रहे फिर ताबड़तोड़ तेजी की अब शुरुआत हो गई ये बीच का वो फेज था जब आपको याद होगा वो पहले वो इलेक्शन का वर्डिक्ट आया था जो ऐसा लगा कुछ फेवरेबल नहीं होगा पर एवरीथिंग बाजार ने अपनी स्ट्राइड में लिया उसके बाद वो इवन बजट आया जो कुछ नहीं सुनना चाहता था टैक्सेशन के फ्रंट पे वो सब अनाउंसमेंट हुए और अब वो फेड कट और वो सब लेते लबाते आज हम रिकॉर्ड उच्चतम स्तरों पर है इस बीच हुआ क्या है एक सरदर्द है अगर आपने किताबें पढ़ रखी हैं तो वैल्यूएशन का और दूसरी तरफ लिक्विडिटी सबको कंफ्यूज करी जा रही है पहले मैं मार्केट्स पे व्यू ले लेता हूं गौरांग सर और सुदीप सर से गौरांग सर यार महंगा तो है अब उसमें मीन मेघ निकाल लो कि ये वाला नहीं ये थोड़ा सस्ता है ये सस्ता तो नहीं है ये ठीक है ये महंगा है पर ये है कि लिक्विडिटी साइडलाइंस पे इतनी बैठी है बाजार के सारे कैलकुलेशन हे जा रहे हैं तो आप लोग इस समय बाजार को लेकर बुलिश हो या बियरिश बहुत बहुत धन्यवाद आशीष जी आपका प्रणाम सभी को आपको सुदीप भाई को सभी दर्शकों को हमारे तरफ से और शुभ दिन तो हमारे में प्रबलता भी है क्षमता भी है काबिलियत भी है अनुभव भी है और जो प्रश्न आपने मुझसे पूछा है नगदी को लेकर के आशीष जी तो एक चीज में सिर्फ बताना चाहूंगा कि पिछले साल से लेकर के जिस प्रकार से आईपीओ की भरमार है इसके साथ साथ जिस प्रकार से बाजार सब शुरू होता है तो ब्लॉक डील दिल, बल्क डील होती है और जिस मात्रा में सब्सक्रिप्शन होता है आईपीओ में जिस प्रकार से पहले ही मिनट में ब्लॉक का सौदे हो जाते तो दिखाई देती है मुझे, जिसको के आपको, आपको सेकेंडरी मार्केट में आता दिखता और कुछ सालों पहले जैसी परिस्थिति खड़ी हो जाती तो अगर मैं ऐसे तो आगे बढ़ती हुई टिप्पणी करता नहीं हूं आशीष जी लेकिन अगर आप मुझे दिसंबर 2024 का अगर लक्ष्य पूछते हैं कैलेंडर कैलेंडर ईयर का तो सत्ताईस हजार सत्ताईस हजार पांच सौ के बीच में मुझे दिखता है बशर्ते कोई बड़ा कांड आ, बड़ा कांड कांड ना हो जाए अब देखते हैं क्या हो सकता है वो तो खैर बिना पता चले जो पता ना हो ऐसी कुछ चीज हो जाए तो सरप्राइजिंग होगा वैसे ये बात अलग है कि लिक्विडिटी मतलब लिक्विडिटी मतलब नकदी पैसा बहुत है साइडलाइंस पे बैठा हुआ है

ये मैं जरूर कहूंगा लिक्विडिटी जबरदस्त है और पिछला करीब छह आठ महीने में एफ ने ज्यादा निवेश इंडियन मार्केट्स में नहीं किया डोमेस्टिक इन्फ्लुएंस जो है वो मार्केट को ऊपर ले गया पकड़ के रखा पर अभी ब्याज दरें यूएस में कम हो रहे हैं रिस्क ऑन मूड वापस आ रहा है और वैल्यूएशन ऊपर है पर थोड़ा बहुत इधर उधर करेक्शन वैल्यूएशन हो रहा है और एफ के लिए बहुत ज्यादा ऑप्शन भी नहीं है तो हम लोगों को लगता है कि एफ मार्केट में इंडियन मार्केट में जरूर आएंगे और तो आ भी है रहे हैं तो है, मैं सिर्फ एक चीज में रेड फ्लैग खड़ा करना चाहूंगा वो है जापानीज इकॉनमी और ये जापनीज इकॉनॉमी में इन्फ्लेशन बढ़ रहा है और इन्फ्लेशन क्योंकि बढ़ रहा है वहां पे ब्याज दरें कब तक पॉइंट टू फाइव रहेगा अभी तक तो पॉइंट टू फाइव मेंटेन किया है उन्होंने कब ये बढ़ेगा और जैसे ब्याज दरें बढ़ेंगे तो वो कैरी ट्रेड का क्या होगा कितने कैरी ट्रेड अभी भी है और उसका रिवर्सल अगर अचानक चालू हो गया तो ये थोड़ा एक छोटा सा इश्यू है इसके इसके अलावा अननोन कुछ फैक्टर्स जैसे गौरंद जी कह रहे थे अगर ऐसा कोई अननोन कुछ आ जाता है तो किसी को मालूम नहीं है वो तो कोई बता नहीं पाएगा पर ये जैपनीज येन कैरी ट्रेड का एक एक थोड़ा इशू दिमाग में है जो कि दिख रहा है कि कहीं ना कहीं मार्केट को अफेक्ट कर सकता है फॉर सम टाइम बात सही है येन कैरी ट्रेड ग्लोबली सरदर्द है हमारा स्पेसिफिकली कहा जाता है गणित की येन पे बहुत ज्यादा एक्सपोजर नहीं था शायद लेकिन जब सेंटिमेंट्स बिगड़ेंगे तो हर जगह बिगड़ेंगे खैर इस समय लिक्विडिटी प्रबल है सबसे इंपॉर्टेंट है पैसा ही बाजार को चलाता है और पैसा बहुत है भैया तो अभी कोई सरदर्द नहीं है पॉजिटिव नजर आते हैं कुछ निगलिंग वरीज हैं जिन पे अपन नजर रखेंगे अभी प्रीएम्प्ट करना उसको गलत होगा अब आइए ऐसे ही कुछ इंटरेस्टिंग स्टॉक्स पे हीरो मोटोकॉर् का जरा ग्राफिक्स जो होंगे लेआउट करेंगे आपने वो रखिएगा स्क्रीनस पे टू व्हीलर दिग्गज एक सेल कॉल आया था कुछ दिन पहले बेयरिश आईडिया यूबीएस का 6000 का स्टॉक है भाई ये 3350 के लक्ष्य के साथ हालांकि जिस दिन यू बी की रिपोर्ट आई थी अभी एक कुछ दिन ही हुए तब मुझे याद था इन्होंने जो मेरे पास पॉइंटर्स आए थे उसमें यूबीएस ने सेल दिया था क्योंकि होंडा बहुत स्टिफ कॉम्पिटिशन दे रहा है होंडा धीरे धीरे करके डिलीवरीज में बढ़ रहा है और शायद एफ के एंड तक नंबर वन प्लेयर हो जाएगा पर ठीक है हीरो मोडो को आप दर से ग्रो भी कर रहा होगा तो इस तरह का एग्रेसिव डाउनसाइड ये इंटरेस्टिंग था बोफा सिक्योरिटीज बुलिश था 6000 हजार जहाँ पे आके खड़ा हुआ है मतलब ये कह रहे हैं बेचे नहीं भाई अब 6000 हजार तो खड़ा ही हुआ है छह हजार के लक्ष्य के साथ थे वो कह रहे हैं कि स्टॉक वैल्यूएशन बहुत अट्रैक्टिव है एथर और कैप्टिव फाइनेंशियल कंपनी को मैं इंक्लूड कर लूं तो सत्रह टाइम्स ट्वेंटी सिक्स पर अवेलेबल है भाई साहब वैल्युएशन चीप है अच्छा ये सिर्फ दो नहीं थी एक प्लेट फ्लिप करिएगा मैंने और भी कहा था ऐसे ही कंफ्यूजिंग है मॉर्गन स्टैली भी 4110 के के टारगेट्स साथ अंडरवेट है गवर्नमेंट भी सेल कॉल दे रहा है 4150 के साथ तो एक नहीं दो तीन ब्रोकरेजेस इस तरह के दबाव की बात कर रही हैं और बोफा सिक्योरिटीज अकेले नहीं खड़ा हुआ है उधर जेफरीज की भी 5800 एट हंड्रेड का टारगेट्स हैं नोमूरा के भी फिफ्टी से फिफ्टी के टारगेट्स हैं सब बाय कॉल से यह है डिविजन सारे दिग्गज ब्रोकरेजेस के बीच हीरो मोटोकॉप को लेकर गोरांग सर किस करवट बैठेगा ऊंट? जाए किसकी तरफ बुलिश रहे वैल्युएशन वैल्यूएशन का है, ग्रोथ अपने से लैक कर रही है सच है ऐसे में करना क्या है स्टॉक पे सर निश्चिंत होकर के अगर निवेशित है तो निवेशित रहे अगर निवेश नहीं है तो मौके ढूंढते गिरते हुए बाजार में या फिर हीरो मोटोकॉप में गिरावट आती है तो निवेश करने के लिए आशीष मुझे याद है जब ये रिपोर्ट आई थी तब मैं आप के हमारी चैनल सीनबीसी आवाज़ पे था और आप और अनुज भाई शो की कमान संभाले हुए थे और मुझे बेहद निर्मल आनंद होता है जब इस प्रकार से की बिकवाली की रिपोर्ट आती है और मुझे नहीं पता इन्होंने कितना माल बेचा होगा अगर ये रिपोर्ट निकाल रहे थे खैर वो बात अलग है छह के आसपास के लक्षांक है आशीष हमारे के पर अनुमानित जो आने वाले नतीजे उसके आधार पर और देखिए कोई भी आ जाए प्रतिस्पर्धा ऐसा नहीं है कि हमारी है प्रतिस्पर्धा तो काफी समय से हमारे बाजार और प्रतिस्पर्धा जब बढ़ती है तो हम और आज जैसे उपभोक्ता उनको फायदा मिलता है क्योंकि एक अच्छा प्रोडक्ट मिलता है वो भी बाधित दामों के ऊपर तो हमें तो लग रहा है कि बहुत बड़ा मौका और खास करके ग्रामीण और मध्यम ग्रामीण क्षेत्र जो है वो टू व्हीलर के लिए बहुत बड़ा एक मौका है तो भाई साहब किसी भी वजह से अगर एक गिर भी रहा होगा तो बेहतरीन खरीदारी करने के मौके हैं हीरोमोटोकॉप पे बुलिश रहना एक बेहतर विकल्प होगा बेहतर स्ट्रेटजी होगी दूसरा लाइए इस पे जरा डिक्सन टेक्नोलॉजीज क्या गजब का स्टॉक बना है यह मदर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग चलता ही चले जा रहा है इस पे भी कंफ्यूजिंग रिपोर्ट्स हैं ये जो मॉर्गन स्टैंडली भाई साहब हैं ये इक्वल रेट के साथ एटी का टारगेट दे रहे हैं यानी कि मौजूदा भाव से पैंतीस से चालीस का डाउनसाइड खुलेगा दूसरी तरफ एच है चौदह हजार मौजूदा भाव के आसपास थोड़ा सा ऊपर चौदह हजार के लक्ष्य के साथ एच खड़ा हुआ है एच का लॉजिक ये है कि डिक्सन सिग्निफिकेंट पोर्शन कैप्चर करेगा आई हार्डवेयर मैन्युफैक्चरिंग मार्केट का काफी सारी अपॉर्चुनिटीज हैं वैसे सुदीप सर ये बात सही है कि डिक्सन ने अपना आपको प्रूफ भी करा है खूब सारे जेवीज खूब सारे करार खूब सारे पार्टनरशिप सेल्स लगातार गजब की ट्रिक्टी से बढ़ रही है मार्जिनस में मार्जिन इंटैक्ट है तीन चार परसेंट के बैंड पे तो पूरा पॉकुलेट होकर प्रॉफिटेबिलिटी पे आ रहा है तो कहीं ना कहीं जस्टिफाई कर ले तो आप कि आग तीन साल पाँच साल रख लोगे तो अच्छा ही है स्टॉक पर वैल्यूएशन तो बहुत स्ट्रेस्ड हो चुके हैं आज की डेट में एक साल दो साल लगा लीजिए गणित वैल्यूशन के लिहाज से डिक्सन पे करना क्या है सर लंबी अवधि के लिए आग बंद करके लेके बैठ जाऊं या अभी नहीं समय है ये गिर सकता है आप किस तरफ खड़े हो बुल हो या बियर हो बियर है अगर बियर और बुल के डिमार्केशन में एक रहना है कंपनी का परफॉर्मेंस अच्छा है आपने आप को आप जैसे कह रहे हैं स्टेब्लिश भी किया है प्रदर्शन हर तरह से अच्छा है पर एक ही प्रॉब्लम यहाँ पे है वैल्यूएशन ये आप जितना भी पॉजिटिव इसके बारे में बोल रहे हैं जो रिपोर्ट्स आ रहे हैं सब कुछ फैक्टर्ड प्लस 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 है। तो मतलब आ, आप जितना कुछ सोच सकते थे वो भी आ, सोच लिया और उसके आगे भी अगर कुछ है वो भी फैक्टर इन करके वैल्यूएशन आज आ गया है तो इतना हाई मल्टीपल पे खरीदारी करने की सलाह हम तो नहीं देंगे हम यहाँ पे यही कहेंगे कि सतर्क रहिए कंपनी अच्छा है परफॉर्मेंस अच्छा कर रहा है अगर कुछ ऐसा कोई हादसा कहीं हो और प्राइस में जबरदस्त गिरावट आए तब इसको कंसीडर करें फंडामेंटली कुछ गलत नहीं है पर वैल्यूएशन ठीक नहीं है इसका लेने के लिए भाई साहब थोड़ा सा इन स्तरों पे अब महंगा तो है सब अच्छा है लेकिन अच्छी चीज़ भी अगर महंगी ले ली ना तो इंतज़ार पेनफुल हो जाता है जैसे कि आप लोगों ने हाल में टाटा टेक्नोलॉजीज की लिस्टिंग के बाद रियलाइज किया होगा और शायद अभी बजाज हाउसिंग फाइनेंस को लेकर चीज़ अच्छी है पर कहीं ना कहीं भाव पे मुश्किल हो जाता है तो लिक्सन शायद वहाँ खड़ा हुआ है इस समय खैर ये सुदीप सर की राय लेकर आइए एक और इंटरेस्टिंग स्टॉक एस बी आई स्टेट बैंक ऑफ इंडिया दिग्गज बैंक डिवाइडेड स्ट्रीट और बढ़िया तरीके से डिवाइडेड स्क्रीन पर लेकर आइए एसबीआई के ग्राफिक्स प्लीज सीएल एक हजार पिछहत्तर के लक्ष्य यानी कि मौजूदा भाव से शायद बीस परसेंट का अपसाइड इनको नजर आता है वहीं यूबीएस खड़ा हुआ है सेल के साथ सात सौ पच्चीस के लक्ष्य मौजूदा भाव के आसपास से थोड़े नीचे की बात कर रहे हैं सीएलएसए क्या कह रहा है ये जो बुलिश है सीएलए से ये कह रहे हैं कि मैनेजमेंट एक्सपेक्ट कर रहा है लोन ग्रोथ 15 परसेंट के आसपास आएगी हाँ इस समय डिपोजिट ग्रोथ लैक कर रही है लेकिन ये ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं मीडियम टर्म में ये 15 से सोलह परसेंट डिलीवर करेगा दूसरी तरफ यूबीएस कह रहा है भाई साहब डिपोजिट डिक्लाइन कर रहे हैं म्यूटेड डिपॉजिट ग्रोथ है सेक्टर में क्रेडिट कॉस्ट बढ़ रही है इस कंपनी की पचास बेसिस पॉइंट बढ़ी है क्यू एफ आई एलिवेटेड था और आगे दिक्कत होगी लो काउंटर सिक्लिकल बफर्स जो हैं वो करंट प्रॉफिटेबिलिटी से क्वेश्चन होना मुश्किल हो जाएगा तो कुछ चैलेंजेस इन्वायरमेंट में जिसके चलते यूबीएस कह रहा है कि भाई साहब इसको सेल रेको, रेको पे रखा जाए अच्छा इस पे जेपी मॉगन की भी वैसे ओवरवेट है ये तो सीए से एक हजार पिछहत्तर है जेपी मॉगिन हजार रुपए के आसपास के लक्ष्य साथ खड़ा हुआ है तो जो ब्रोकेजेस बुलिश है सब दिखा रहा हूं मुझे एक ही मिली थी एस की रिसेंट वाली तो मैंने एक ही उधर रखी हुई है यू की पर गौरांग सर बहुत चला एस बहुत सालों बाद सरकारी बैंक ने इस तरह का मूव दिया है पर है अब जो खड़ा हुआ व्यू क्या बन रहा है तो थोड़ा चैलेंजिंग है लंबी अवधि का नहीं कि इकोनॉमी बढ़ेगी तो बैंक अच्छा करेंगे डिपॉजिट्स तो आ नहीं रहे चैलेंजिंग तो हो गया है इनके लिए इन्वायरमेंट करना क्या है देखिए आपकी काबिलियत और आपकी अहमियत तब सामने आती है जब चुनौतियां हो और उन चुनौतियों को आप पार कर जाए आपकी क्षमता और ताकत के आधार अभी आपने टेक्नोलॉजीज की बात कर रहे थे तो आपने एक वाक्य का और शब्द का प्रयोग किया था वो है मदर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग तो एस बी आई इज फादर ऑफ इंडियन बैंकिंग ये भूलना नहीं चाहिए सबसे बड़ी सरकारी दिग्गज बैंक है निरंतर हमारी खरीदारी की राय रही है और हमें लग रहा है कि 920 के आसपास के बहुत ही साधारण से लक्ष्यांक हम लेकर के चल रहे हैं अनुमानित जो नतीजे आएंगे उसके आधार पर और मुझे इस ये कहने में बिल्कुल संकोच नहीं होगा आशीष के इस लक्षा को हम ऊपर की तरफ लेके जाएंगे जिस प्रकार से ऋण की मांग बढ़ रही है और बढ़ने वाली है इसके साथ साथ ग्रॉस नेट एन पी नीचे आ रहे प्रोविजनिंग नीचे आ रही मार्जिन सुधर रहे हाँ एक दिक्कत है कि आप डिपॉजिट मोबिलाईजेशन किस प्रकार से करते हैं और उसमें जो अंतर है एडवांसिस और डिपोजिट में उसको आप किसान मैच करते हैं और कितना मार्जिन आप इंटैक्ट है लेकिन ऐसी कोई परिस्थिति आए कि ये एकदम से लुढ़क जाएगा पंद्रह बीस चालीस परसेंट उसकी संभावना बहुत कम है अरे भाई साहब लीजिए टू बी पे सर है, पुलिश खरीदारी करने का मन एक काम करता हूं एक छोटा सा ब्रेक ले रहा हूं ब्रेक के उस पर जब लौट के आऊंगा तो दो ऐसे ही और इंटरेस्टिंग ब्रोकेजेस मुझे डिस्कस करनी है इन दोनों दिग्गज एक्सपर्ट्स के साथ टाटा मोटर्स और वोल्टास, लेकिन उस पर चर्चा छोटे से ब्रेक के उस बार बुल वर्सेस बियर जी हां यह है आज का इस बार का वीकेंड स्पेशल, बहुत टसल है भाई कई लोग बाजार में भी बोल रहे हैं कई बेरिश हैं कई कंसर्न वैल्यूशंस को लेकर कईयों को भरोसा लिक्विडिटी को लेकर ऐसे ही स्टॉक्स पे हम आप ही नहीं बड़े दुनिया भर की दिग्गज ब्रोकरेजेस भी उतनी कंफ्यूजिंग रिपोर्ट्स लेकर आ रही है तो सोचा था आज उन्हीं रिपोर्ट्स को टटोलें और अपने दिग्गज एक्सपर्ट से समझें सही डायरेक्शन के लिए इनसे गाइडेंस लें ताकि उस कंफ्यूजन में हम लोग फंसे ना हमारे साथ गौरांग सर और सुदीप सर दोनों हैं जो मदद करेंगे या कर रहे हैं अगला स्टॉक है वोल्टास लाइए भाई जरा डायरेक्टर साहब दूसरी वाली बड़ी स्क्रीन पर ग्राफिक्स सुदीप सर ये आपके लिए लेकर आऊंगा वोल्टास पे एक बुलिश और एक बियरिश रिपोर्ट देखिएगा आपकी स्क्रीन पे बियरिश है गोल्डमैन सैक्स 1310 के लक्ष्य ये वोल्टास मेरे ख्याल से खड़ा हुआ है साढ़े अठारह के आसपास तेरह के लक्ष्य के साथ खड़े हुए हैं गोल्डमैन सैक्स ये कह रहे हैं कि ऑनगोइंग प्राइस कंपटीशन जो है वो दिक्कत की बात है मार्जिन में अब लिमिटेड रूम है कि आगे चलते हुए आपको पॉजिटिवली सरप्राइज कर पाए इसीलिए हम तो बेचेंगे उधर खड़े हैं यूबीएस मौजूदा भाव या मौजूदा भाव से थोड़े ऊपर के शेड पे खड़े हुए हैं बाय का कॉल है ये कह रहे हैं ये कंपनी आप नोटिस करिए रूम एसी सेगमेंट में अपनी पोजीशन को और स्ट्रेंथन कर रही है क्यू को लेकर कुछ कंसर्न्स थे तो मैनेजमेंट कह चुका है कि वो उनके लिए अलग से लीन पीरियड था इनफैक्ट अब क्योंकि फेस्टिव डिमांड की इन होएगी तो वर्ल्ड बैंक के प्रोडक्ट जो हैं उसको लेकर वो लोग खासतौर बड़े ऑप्टिमिस्टिक हैं बटे हुए हैं अब करना क्या है बढ़िया पेडिग्री की कंपनी लेकिन रणनीति क्या हो सुदीप सर वोल्टास पे आप लोग का कॉल क्या है इस तरह की डाउनसाइड खुलने का डर या रख सकते हैं पोर्टफोलियो में आप बुलिश हो क्या ये हम लोग पॉजिटिव है वोल्टास पे बुलिश कह सकते हैं इसको देखिए बहुत बहुत अच्छा होने के बावजूद निवेशक को बहुत ज्यादा सेटिस्फाई नहीं कर पाया है तरह तरह के रीजन थे और बहुत दिनों से आ, एक कंफ्यूज एक, 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 एक स्टेट में कंपनी था पर अभी हम लोग मानते हैं कि कंपनी उसके आगे बढ़ रहा है रूम एयर कंडीशनर सेगमेंट में बहुत अच्छा काम चल रहा है इनका और ये बिल्कुल सही है कि फेस्टिव सीजन में की है, Q2 का नतीजा और जज करना शायद सही नहीं होगा हम लोग इसमें ड्यूरेबल सेगमेंट में और रूम एसी सेगमेंट में कामकाज को लेके इसके अलावा इनके जो और जो छोटे छोटे बाकी सेगमेंट्स है जो इंजीनियरिंग और कंस्ट्रक्शन रिलेटेड है वहां पे भी अच्छा अट्रैक्शन इनको देखने को मिल रहा है हालांकि बहुत बहुत कुछ मायने नहीं रखता है शायद ओवरऑल कॉन्टेक्स्ट में पर डेफिनेटली ग्रीन शूट्स वहां पे भी विजिबल है ये सब नजर में रखते हुए हम लोग पॉजिटिव व्यू रख रहे हैं और निवेशक सलाह यही दे रहे हैं कि आप इसमें अगर निवेश किया है तो निवेशित रहिए कोई दिक्कत की बात नहीं है और अगर आप लंबी अवधि के लिए लेना चाहते हैं तो भी अपॉर्चुनिटी देख के यहाँ पे खरीदारी कर सकते हैं लंबी अवधि के लिए अपॉर्चुनिटी देख के खरीदारी करने के मौके बिल्कुल ठीक है अच्छा अगला आज का लास्ट एक और इंटरेस्टिंग मैंने ऑटो से शुरुआत करी थी तो ऑटो से ही समाप्त करूंगा टाटा मोटर्स लाइए दिखाता हूं आपको किस तरह के समीकरण इसके लिए बैठ रहे हैं टाटा मोटर्स पे एच का होल्ड कॉल है 1100 के लक्ष्य के साथ अच्छा ये बेसिकली पोर्शे के वैल्युएशन के साथ कंपेरिजन ये पोर्शे अपन कभी बैठे नहीं तो पता नहीं है पोरसे बोलो ना

ये, ये आ, फिर भी वो होल्ड के साथ 1100 के लक्ष्य के साथ चल रहे हैं यूबीएस का जो सेल कॉल आया है मतलब पोर्शे से कंपैरिजन ड्रॉ कर रहे थे लेकिन वो बुलिश है स्टॉक पे यूबीएस सेल कॉल लेकर आया है और ये इंटरेस्टिंग है 825 के लक्ष्य ये कह रहे हैं क्वेश्चन जो सबको इन्वेस्टर्स को चिंतित करना चाहिए कि जेलार के के डिस्काउंट स्पाइक अप हो रहे हैं वो 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 डिफेंडर रेंज वो रेंज रोवर वो रेंज रोवर स्पोर्ट ये जो ट्रायो था प्रीमियम मॉडल्स का जिसने अब तक एवरेज सेलिंग प्राइसेस बूस्ट करी थी अब ये सेलिंग इनकी मॉडरेट हो रही है इनकी ऑर्डर बुक अब प्री कोविड लेवल्स के नीचे चली गई है रेंज रोवर के डिस्काउंट आगे और बढ़ने का खतरा है और इसीलिए मान रहे हैं कि डाउनसाइड रिस्क है मार्जिन स्लिपेजेस होंगे जेल में और इवन विद इन इंडियन पैसेंजर व्हीकल सेगमेंट में तथ्य तो इंटरेस्टिंग है पर सर ये ठंडा भी पड़ा था, का कट आया था। है कैसा टाटा मोटर्स में करना क्या है गौरांग सर यहाँ पर भी बने रहे हैं और मौके धूं ये रिपोर्ट को लेकर के जो निचले स्तर देख रहे हैं वो मेरे ख्याल से बहुत बड़ा मौका है 1250 के लक्षा के अनुमानित नतीजों के आधार पर आने वाले समय के और एक बात है ये आर की जो हम बात कर रहे हैं ना तो मैंने जो सुना है पढ़ा है इतना सत्य असत्य मुझे नहीं पता लेकिन गुजरात में जो सनान प्लांट है वहां पर अब जो अब तक वो सब टाटा की ब्रांड टाटा की गाड़ियां बन रही थी जेएलआर की गाड़ियां भी वहां बनेगी जिससे एक प्राइस एडवांटेज बेनिफिट मिलेगा कॉस्ट कम होगी तो और वो मेरे ख्याल से वो जो मार्जिन को लेकर के चिंता है वो एक नगेट कर देगी तो लंबी दिखाया है नजरिया बारह के अनुमानित लक्ष्य लीजिए भैया अच्छी बात ये जहां पे हमारे एक्सपर्ट्स बुलिश हुए वो जो ब्रोकरेज मैंने दिखाई थी उनके टारगेट्स तो ऑलमोस्ट वही स्टॉक खड़े हुए थे आपने एक्सपर्ट्स ने और दमखम भर दिया उन स्टॉक में अभी तो और दम है खैर मैं रैप अप कर देता हूं जो पांच स्टॉक आप डिस्कशन में आए थे दिखाएंगे क्या स्क्रीन पे तो समझ में आएगा आपको एंड में तस्वीर कहां पे बुलिश होना है कहां पे वाकई बेरिश होना है सुदीप सर वोल्टास पे बीस की मौजूदा सर से तेजी संभव है और डिक्सन टेक्नोलॉजी के वैल्युएशन इस समय की कंसर्न है अवॉइड ही करें इस पर वो बियरिश है हमने सर से हीरो SBI और टाटा मोटर्स की चर्चा करी थी देश की तीन दिग्गज कंपनीज तीनों को लेकर सर साउंड कर रहे हैं तो लार्जली स्टॉक स्पेसिफिक्स बुलिश हैं एक डिक्सन टेक्नोलॉजीज के वैल्यूएशन के कंसर्न्स हैं ये हमारे एक्सपर्ट्स की राय आपके लिए होपफुली ये शो इंटरेस्टिंग रहा होगा और कुछ की टेक आपको भी मिले होंगे गौरांग सर सुदीप सर थैंक यू सो मच जुड़ने के लिए डी कोड करने के लिए ये फिरंगी जो कंफ्यूज कर रहे थे आसान पथ पे हमें ले जाने के लिए और इस नोट पर इस खास पेशकश में इतना ही नमस्कार